ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ कैसे बनाएंगे हम मोशन को। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्केल लेना पड़ेगा एक्स और वाई एक्सिस पर, एक सूटेबल स्केल लेना पड़ेगा। मैं ले रहा हूं ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 5 सेकेंड। एक्स एक्सिस पर अक्सर हम टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम एक्स एक्सिस पर रखेंगे अक्सर, कभी कभार ही ऐसा होता है कि टाइम हमें वाई एक्सिस पर लेना पड़े। तो एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम लिया और टाइम मैंने कैसे लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 5 सेकेंड। ठीक है, और वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स मैं ले लूं 2 मीटर, कुछ भी ले सकते हैं सूटेबल, ताकि आपकी ग्राफ बहुत बड़ा ना बने बहुत छोटा भी ना बने। और अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, वाई एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस बनाई, ये ओरिजिन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, दिख रहा है आपको ग्राफ पूरा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहां मैं एक एक सेंटीमीटर पे निशान बना देता हूं पहले, ये मैंने एक एक सेंटीमीटर निशान बना लिया वैसे अंदाजे से। और एक्स एक्सिस पर क्या लिया मैंने, टाइम लिया है इन सेकंड, सेकंड में टाइम लिया एक्स एक्सिस पर। और कौन सा टाइम है, 0 टाइम, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। और वाई एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूँ, वाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ डिस्टेंस इन मीटर, मीटर में डिस्टेंस ले रहा हूँ। कितना डिस्टेंस लिया मैंने वाई एक्सिस पर, 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 मीटर। हालांकि मैंने निशान लगाया एक एक सेंटीमीटर पर, लेकिन पहले सेंटीमीटर पर लिखूंगा मैं 2 मीटर, अगले पर लिखूंगा 4 मीटर, फिर लिखूंगा 6 मीटर, यहाँ 10 मीटर, ओ सॉरी 8 मीटर, ये 10 मीटर, ये 12 मीटर एंड सो ऑन, 14 मीटर, 16 मीटर, करेक्ट। अब देखिए मैं बॉडी ए का मोशन बना रहा हूँ आपको, 0 सेकंड पर ए की पोजीशन क्या है, 0, 0 टाइम, 0 टाइम, 0 पोजीशन। 5 सेकंड पर बॉडी की पोजीशन क्या है, 2 मीटर, तो मुझे 5 के ऊपर 2 के सामने एक डॉट बनाना है, 5 सेकंड के ऊपर, 5 सेकंड के ऊपर बॉडी ए को मैं रेड से बनाता हूँ, 5 सेकंड के ऊपर और 2 मीटर के सामने मुझे यहाँ डॉट बना देना है। अगला डॉट कहाँ लगाना है, 10 सेकंड पर पोजीशन है 4 मीटर, तो मुझे अगला डॉट लगाना है कहाँ, 10 सेंटीमीटर के ऊपर लगाना है यहाँ, और कहाँ तक लगाना है जी, 4 सेंटीमीटर पर लगाना है, करेक्ट। उसके बाद अगली पोजीशन क्या है, 15 सेकंड पर है 6 मीटर, तो मुझे 15 सेंटीमीटर के ऊपर लगाना है, 15 सेंटीमीटर के ऊपर मुझे डॉट लगाना है, और कहाँ लगाना है, 6 के ऊपर लगाना है, 6 के सामने, करेक्ट। अगली पोजीशन मेरी क्या है, 20 सेकंड पर 8 मीटर, तो 20 के ऊपर और 8 के सामने, हालांकि मुझसे गलत बनेगा क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है और ये जो डिस्टेंस लिया है मैंने ये इक्वल डिस्टेंस नहीं आ रहा, तो इसलिए ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ बन जाएगा। देख रहे हो ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस और कम हो गया, तो एक्चुअली ये 1 सेंटीमीटर तो है नहीं, मैंने बिना नाप ले लिए थे। ये पोजीशन आ गई, फिर अगला डॉट कहाँ आने वाला है मेरा, अगला डॉट आने वाला है कहाँ, 25 सेंटीमीटर, 25 सेकंड पर पोजीशन है 10 मीटर, तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेकंड के ऊपर, 25 सेकंड के ऊपर मुझे बनाना है किसके, 10 के सामने, 10 के सामने बनाना है, ये रहा।
और अब ये जो डॉट्स बने हैं, इन सारे डॉट्स को मैं मिला दूंगा, तो ये जो लाइन आपकी बन गई है, आगे तक भी बढ़ा देंगे, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, किसे रिप्रेजेंट कर रही है? दिस लाइन रिप्रेजेंट क्या? मोशन ऑफ ए, जो कि कैसा है? ये यूनिफॉर्म मोशन है, मोशन ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसा? यूनिफॉर्म मोशन। तो सीधी सी बात है, ये जो ग्राफ, ये ग्राफ है हमारा, कहलाता क्या है? वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या लिया? मतलब पोजीशन। 0 सेकंड पर पोजीशन 0, 5 सेकंड पर पोजीशन 2 मीटर, 10 सेकंड पर पोजीशन 4 मीटर। तो ये वाई एक्सिस पर पोजीशन लिया है, और ये क्या लिया हमने? एक्स एक्सिस पर टाइम। तो हम इसे लिखते हैं, इस ग्राफ को लिखते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या लिखते हैं इसे हम? इसे हम लिखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर हो इतनी बात? और हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन पोजीशन टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन आता है पोजीशन टाइम ग्राफ। अब मैं बनाऊं दूसरे वाले बॉडी के लिए, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए? ऑब्जेक्ट बी के लिए बनाने लगूं। तो ऑब्जेक्ट बी के लिए जब बनाऊंगा तो कितना बैठेगा, क्या हिसाब बैठेगा, देखना जरा। टाइम जीरो पर ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन कितनी है? जीरो। तो टाइम जीरो पर ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन जीरो, यही बना दिया मैंने, ग्रीन पेन से डॉट बना रहा हूँ। 5 सेकंड पर ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन कितनी है? 2 मीटर। तो 5 सेकंड पर ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन, ये भी मैंने यही पे दूसरे वाले के ऊपर ही आ गया है। फिर उसके बाद 10 सेकंड पर ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन कितनी है? 3 मीटर। तो मुझे अब क्या करना होगा? 10 के ऊपर 3 के सामने बनाना है। 10 के ऊपर 3 के सामने, तो 3 कहाँ बनेगा? 2 और 4 के बीचों बीच बनेगा। ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट, है ना? अगला क्या है? ये 15 सेकंड पर पोजीशन है, कौन सी वाली है? 0, 5, 10, 15 पर 8 मीटर, 15 पर 8 मीटर। तो 15 सेकंड पर अब मुझे लेना 8 मीटर, 8 के ऊपर लेना। तो 15 के ऊपर और 8 के सामने, 15 के ऊपर 8 के सामने, ये आ गया मेरा अगला डॉट, करेक्ट। नेक्स्ट पोजीशन है 20 20 सेकंड पर पोजीशन है 18, 20 सेकंड पर पोजीशन है 18। तो मुझे 20 के ऊपर लेना है, 20 के ऊपर पॉइंट लेना, और कहाँ? 18 के सामने। 20 के ऊपर ये है 20 वाली लाइन, और 18 18 18 तो बहुत ऊपर जाके बैठेगा, 18 पे यहाँ जाकर बैठेगा, 20 के ऊपर और 18 के सामने, ये 20 के ऊपर देख रहे हो, ये मेरा 20 वाला, 20 सेकंड, 20 सेकंड के ऊपर ए ये, और कहाँ? 18 के सामने, यहाँ पे 18 होगा ना, या 16 के ऊपर 18। तो एक पॉइंट ये आ गया, और अगला वाला पॉइंट जो है वो 25 सेकंड में 30 मीटर। तो ये तो निकल जाएगा बाहर, हमारी ग्राफ से बाहर निकल जाए, 25 के ऊपर और 30 सेंटीमीटर तो मैंने बनाया ही नहीं इसके अंदर। एनी वे जितने भी ग्राफ बने हैं उन सबको मैं मिला दूं पॉइंट्स को, देखो जरा ध्यान से क्या बन रहा है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, ये सीधी लाइन नहीं बन रही, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बन रहा है। यहाँ से ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, ये गया, ये ऐसे। तो ये हमारा क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन। इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए कर्व। क्या है ये? कर्व है, तिरछा तिरछा सा, अजीब सा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या लिखेंगे हम लिखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ इज क्या?
कर्व, पोजीशन टाइम ग्राफ इज ए कर्व, स्ट्रेट लाइन ना होकर के क्या है, सीधी लाइन ना होकर के एक कर्व आपको मिलता है। जबकि यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ सीधी स्ट्रेट लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मोशन में आपकी पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, एक कर्व आता है। यहां तक की बात क्लियर हुई?